morning children. Good morning. Previous class में क्या हुआ था? Previous class में कोहेने काही ककड़ी क्या हुआ था? थोड़ा revision करेंगे. करें क्या हुआ था? एक कोहे एक आम के डाल पर बैठकर सोचा आम पके नहीं थे. कुछ बच्चे नीचे कुछ खा रहे थे. बहुत कुतूहल से आकर देखकर वो सब बच्चे बहुत खुश से कचन कचन कर पापड़ी खा रहे थे. वो इच्छा होगा तो आप भी खाने के लिए इच्छा होकर वो आगे खेत पर जाकर बैल से पूछा. बैल ने बोला तेरा वो क्या वो कवे के चोंच गंदी है. दो करा पर वो कुएं के पास गया. कुएं ने कहा भाई तो पानी दूंगी पर कैसे रहेंगे तुम. मैं जब कुंभ के पास एक एक क्या अंडा गड़ा ले गया. वो कुछ बोला गड़ा गड़ा तो क्या है वो मट्टी. मैं तो गड़ा दे पानी दूंगी गड़ा लेके. वो कुंभ के पास निकला. कुंभ क्या कहा मैं तो आपको गड़ा बना कर दूंगा पर मिट्टी नहीं मेरे पास. मिट्टी ले गया. ओ कौवा हाँ हाँ धरती माँ के पास चल गया. वो लेके आएगी नहीं थोड़ा आपको दो तीन क्वेश्चन पूछेगी. कौवा कहाँ बैठा था? कौवा बैठा था एक आम की डाल पर. क्या बच्चे क्या कर रहे थे? कचर कचर कर ककड़ी खा रहे थे. कचर कचर ककड़ी खाने के लिए किसका इच्छा हुआ? कौवे का इच्छा हुआ. कौवा किसके पास गया ककड़ी पूछने के लिए? बैल के पास गया. बैल ने क्या कहा? बैल ने चोंच धोकर आ गंदा है गंदी चोंच धोकर आ. कौवे ने पानी के लिए किसके पास गया? कुएं के पास. कुएं ने क्या कहा? मैं तो पानी दूंगी पर कैसे देंगे आप? कुंभार के पास निकला. कुंभार ने क्या कहा? मैं तो क्या घड़ा बना कपड़ा बना कर दूंगा. मेरे पास तो सॉइल नहीं है. सॉइल लेने के लिए कौन गया? और कौवा किसके पास गया? किसके पास गया? माँ के धरती माँ के पास निकला. देखेंगे अब आप ध्यान से लेसन सुनो. मैं पढ़ूंगी आप मेरे साथ दिल में दोहरा ले. कौवा पहुंचा धरती के पास. बोला माँ माँ मुझे थोड़ी मिट्टी दे दो. मिट्टी से बनेगा घड़ा. घड़े में लाऊंगा पानी दूंगा चोंच खाऊंगा ककड़ी. धरती ने कहा मिट्टी तो मैं दे दूं परंतु खोलेगा कैसे? कौवे ने कहा मैं अपनी चोंच से खोद लूंगा. धरती बोली ठीक है खोल दे मिट्टी. कौवे ने दिन भर मिट्टी खोदी. उस मिट्टी को कुंभार के आंगन में ढोया. कुंभार ने गड़ा बना दिया और कौवे को दे दिया. कौवा गड़ा लेकर कुएं पर गया. कुएं ने गड़े में पानी भर दिया. कुएं ने पानी में धोई अपनी चोंच. फिर गया बैल के पास. बैल ने उसे दी ककड़िया. कौवा खाने लगा ककड़िया खचर खचर. खाकर ककड़ी बड़ा मजा आया. फिर बैल का धन्यवाद किया. बैठा आम की डाल पर बोला धरती माँ ने दी मिट्टी. मिट्टी से बना घड़ा. घड़े में मिला पानी. पानी से धोई चोंच
मुझे थोड़ी मिट्टी दे दो। मिट्टी से बनेगा घड़ा, घड़े में लाऊंगा पानी, दूंगा चोंच, खाऊंगा ककड़े। धरती ने कहा, मिट्टी तो मैं दे दूं, पर तू खोदेगा कैसे? कौवे ने कहा, मैं अपनी चोंच से खोद दूंगा। धरती बोली, ठीक है, खोद ले मिट्टी। कौवे ने दिन भर मिट्टी खोदी। उस मिट्टी को कुंभार के आंगन में डोया। कुंभार ने घड़ा बना दिया और कौवे को दे दिया। कौवा घड़ा लेकर कुएं पर गया। कुए ने घड़े में पानी भर दिया। कुए ने पानी में धोई अपनी चोंच, फिर गया बैल के पास। बैल ने उसे दी ककड़िया। कौवा खाने लगा ककड़िया खचर खचर। खाकर ककड़ी बड़ा मजा आया। फिर बैल का धन्यवाद किया, बैठा आम की डाल पर, बोला, धरती माँ ने दे दी मिट्टी से बना घड़ा, घड़े में मिला पानी, पानी से धोई चोंच, खाई ककड़ी खचर खचर। ओके, अब सर मैं आपको बताऊंगी। कल कुमार ने बोला, मैं तो आपको घड़ा दूंगी, फिर मेरे पास तो वही मिट्टी सॉयल नहीं है, आप थोड़ा अब धरती माँ से मिट्टी ले आओ। खोवे ने खोड़ा उड़कर धरती माँ के पास चली गई। पहुंची धरती के पास, बोला, माँ मदर मदर थोड़ा मिट्टी दे दो, थोड़ा इतनी मुझे सॉयल दे दो, सॉयल जो भी थोड़ा सॉयल दो, मिट्टी से बना है घड़ा, मैं मिट्टी से घड़ा पॉट बनाऊंगा। कौन बनाएगा? मिट्टी से कुंभार बनाएगा, पॉटर बनाएगा, फिर थोड़ा सा मुझे मिट्टी सॉयल दे, घड़े में लाऊंगा पानी, मैं पानी लाऊंगा, वाटर लेके आऊंगा, किसमें? पॉट में, दूंगा मेरी चोंच, हाँ टू वॉश में चोंच दूंगा, खाऊंगा ककड़ी, कुकुमर को मैं खाऊंगा। धरती ने कहा, और अर्थ बोली क्या? मिट्टी तो मैं दूंगी, मैं सॉयल आपको दूंगी, पर खो देगा कैसे? तो कैसे देगा वो मिट्टी, सॉयल कैसे देगा, खो देगा? कुए ने कहा, मैं अपनी चोंच से खो दूंगा, मैं अपनी चोंच है ना, चोंच से आपको मिट्टी लाऊंगी, सॉयल चोंच से खो दूंगा। धरती बोली, ठीक है, दस राइट, खोद ले मिट्टी, ले लो मिट्टी, सॉयल आप ले लो, खोद ले। कुए ने दिन भर मिट्टी खोदी, फुल ले मिट्टी कॉयल को खोदी। उस मिट्टी को कुंभार के आंगन में ढोया। कुंभार के आंगन, कुंभार बना था पॉटर है ना, उसके घर को पहुंचाया, आंगन में पहुंचाया, वो मिट्टी ढोकर पहुंचाया। कुंभार ने घड़ा बना दिया, पॉटर ने पॉट बना दिया, बनाकर कुए को दे दिया, ले लो कुए आपके पॉट। पॉट लेकर कुआ कहाँ गया? पॉट लेकर गया कुए के पास। कुए कौन? विल, उसके पास गया। कुए ने घड़े में पानी भर दी, फुलफिल द वाटर। कुए ने पानी में दो इंच चोंच। कौवा क्या किया?
कौवे ने वाटर में अपनी चोंच को धो दिया। फिर गया बैल के पास, बैल के पास कौन को बैल है ना, बैल के पास गया। बैल ने देखी ककड़िया, ढेर सारे सौ मिनी ककड़ी कौवर को दे दी। कौवा खाया, खाने लगा, अच्छा 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 कौवर को बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद हुआ, मजे से खाने लगा। वो खाकर फिर बोला उसे क्या धन्यवाद, थैंक यू बोला, किसे बेल को थैंक यू बोला। बैठ गया आम की डाल पर और छाकर बैठ गया मैंगो ट्री की एक ब्रांचेस पर बैठा, बैठ कर बोला धरती माने दी मिट्टी, अर्थ गिरदा मिट्टी, अर्थ कोट्रो मिट्टी, मिट्टी दे दी मिट्टी से बनाने पड़ा सॉइल से को पॉट बना, पॉट से सुंदर पानी मिला, पानी से दोई छोंच खाई ककड़ी खचर खचर, एक बहुत सुंदर गाने में बोल दिया। एक लाइन पर करना मिनट में बोलोगे कौवा कागे मट्टू तना ಹೇಳ ಹಾಗೆ ಕುಂಬಾರದಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಬ. ಕೋವ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಹೋಗಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಕೊಡು, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಾದ್ರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಮುತ್ತಿಯನ್ನು ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ, ತೊಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ಎಂತ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಆಯುಧಗಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ ಧರ್ತಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಇಡೀ ಫುಲ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತು ಸಮಣ್ಣನ ಕೊದ್ದು ಕೊದ್ದು ಕುಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕುಂಬಾರನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಂಬಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಗೆಗೆ ಕಾಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಡ ಬಡ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಬಾವಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಡಿಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ, ಓಕೆ ನೀನು ತಗೊಳ್ಬಾರಿ ಅಂತ ನೀರು ತಿಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇಬೇಗ ತಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೌತೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ 30 ರೂಪಾಯಿ, ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೀ ತೊಗೊಂಡು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಮ ಸೌತೆಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಧರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಲು ಮಣ್ಣು, ಆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮಡಿಕೆ, ಆ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ತಂದೆ ನೀನು, ನೀರು ತಂದು ನಾನು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡೆ, ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸೌತೆಕಾಯಿನ ತಿಂದೆ ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೇಖೋ, ಏಕ್ ಸಿ ಏಕ್ ವಸ್ತು ಅಂಕ ಚೈನ್ ರಥ पूछिए।
से एक थोड़ा सा मिट्टी। मिट्टी से क्या बनता है? एक घड़ा बनता है। कौवे ने मिट्टी कहाँ पर ढोया? कौवे ने मिट्टी को कुंभा के आकार तक ढोया। कौवे ने काकर क्या कहा? दर्द। बेल को धन्यवाद कहा और एक छोटा सा गाना गाया। धरती माँ ने पूरी दी मिट्टी, मिट्टी से बना घड़ा, घड़े में मिला पानी, पानी से धोई चोंच, खाई कुचड़ी कचर कचर। चलो बच्चों, आज हम आपको एक सीख मिला। बेल पाने के लिए बहुत मेहनत भी है और पाने पाने के बाद बहुत संतोष भी मिलता है। हम मेहनत मेहनत के कुछ पाने का नहीं होता। एक आवश्यक वस्तु पाने के लिए एक से एक आना छोड़ रहता है, चेन रहता है। वो चेन है आज के सेलर लेसन में सी। ओके बच्चों, आगे क्लास में आपको नोट्स दूंगी। आज के लेसन को आप एक ना दो ना तीन बार पढ़ना, ध्यान से देखना, ध्यान से मीनिंगफुल